रुखसाना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद रुखसाना। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ईद स्पेशल रेसिपी। ईद पर ठंडी और मीठी रेसिपीज बनाएंगे भी और खाएंगे भी, थोड़े वक्त में रेसिपी बन जाए और थोड़ी चीजों से, तो ऐसी रेसिपी हर कोई बनाना चाहेगा। तो इसीलिए मैं लेकर आई हूँ आज बहुत ही मजेदार रेसिपी। तो आज मैं बनाऊंगी आइसक्रीम जो बहुत ही थोड़ी सी चीजों से बन जाएगी। तो चलो फिर रेसिपी शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे मैं बनाऊंगी ब्रेड से मज़ेदार आइसक्रीम। तो जिस तरह के गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे बड़े सभी आइसक्रीम जो है वो शौक़ से खाना पसंद करते हैं, तो घर में दावत हो तो ठंडा ठंडा मीठा बनाएं, सभी जो है वो बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब दूध ले लिया है और उसमें हम 4 स्लाइस ब्रेड के जो है वो शामिल कर देते हैं, और साथ ही साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी। बाकी चीनी आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उतनी चीनी जो है वो आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए जी, अभी ब्रेड को दूध में मिक्स होने देते हैं और 1 से 2 उबाल जो है वो दूध में आ जाएं, तो फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टेट्रापैक दूध जो है वो इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास फ्रेश दूध है तो पहले दूध में 1 उबाल आ लेने दें, उसके बाद जो है वो इसमें आपने ब्रेड शामिल करनी है। यहाँ पे देखें जी, ब्रेड जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है और इसमें मैंने यहाँ पे 10 अदद इलायची ली है, उसको खोल दिया है, उसके सिर्फ जो सीड्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। तो दोस्तों, बाज़ार से बहुत महंगी महंगी आइसक्रीम लेके खाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही देखिए थोड़े से चीज़ों से, थोड़े से इंग्रेडिएंट से मज़ेदार आइसक्रीम जो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो आज यहाँ पे मैं फ्लेवर दूंगी वनीला का और इलायची का, तो बस इन्हीं 2 चीज़ों से मज़ेदार आइसक्रीम जो है वो हम तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए जी, 5 से 7 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूध और ब्रेड कैसा मिक्स हो गया है। अभी यहाँ पे हम इसको कर देंगे बंद चूल्हे को और 1/2 घंटे के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे 1/2 घंटे के बाद। यहाँ पे देखें जी, आइसक्रीम का जो मिक्सचर हमने बना के रखा है वो बहुत अच्छा ठंडा हो गया है, और अभी इसको बाजार जैसी आइसक्रीम का टेक्सचर देने के लिए, इसको स्मूथ और फ्लफी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर टेट्रापैक क्रीम का जो है वो इस्तेमाल करेंगे और 1/2 टेबल स्पून के करीब जो है वो वनीला एसेंस जो है वो इसमें शामिल करेंगे, और मिक्सी के जार में डाल के इसको हम अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून के करीब इसमें वनीला एसेंस जो है वो शामिल कर रहे हैं और टेट्रापैक क्रीम। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आइसक्रीम हमारी कैसी फ्लफी और स्मूथ जो है वो तैयार हो गई है। तो अभी हम इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में जो है वो डाल देते हैं। तो अभी इस कंटेनर में हम सारा आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो इसके अंदर इस तरह से जो है वो पोर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम इस तरह भी इसको जो है वो फ्रीज कर सकते हैं 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए। तो मैं इसको और खूबसूरत और मज़ेदार बनाने के लिए इसके ऊपर मैं बादाम जो है वो इस तरह से हल्के से स्प्रिंकल कर रही हूँ, इससे ये आइसक्रीम जो है वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो चलिए जी, अभी हम इसको बंद करते हैं और इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। जब ये अच्छी सेट हो जाएगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ठंडी मीठी आइसक्रीम जो है वो बनकर तैयार है। तो चलें अभी इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमारी वनीला फ्लेवर आइसक्रीम जो है वो तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त आइसक्रीम जो है तैयार हुई है, तो बहुत अच्छी सेट हुई है। थोड़ा सा सख्त हाथ से हम इसको काटेंगे। तो जी फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो तैयार है। आप बाज़ार से आइसक्रीम खरीदना बंद करेंगे क्योंकि ये सस्ती भी है और केमिकल से पाक भी है। तो अगर ये मेरी मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह ठंडी और मीठी एक और आइसक्रीम की रेसिपी लेकर। खुदा हाफिज़।